आरजेडी के 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आगे आए हैं। मंगलवार को दिल्ली में आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ हुई बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर उत्पन्न गतिरोध खत्म करने की कोशिश हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं की बैठक में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का मसला सुलझा लिया गया है। बैठक में बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 40 सीटों में से 20 पर आरजेडी और 9 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बाकी की 11 सीटों में आरएलएसपी को 4, वीआईपी को 3, हम को 2 और शरद यादव की पार्टी को 1 सीट मिली है। भाकपा माले को आरा की सीट दी जा सकती है। आरजेडी ने कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। देर रात राहुल गांधी के दिल्ली पहुंचने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने डैमेज कंट्रोल की पहल की। तेजस्वी यादव से दिल्ली में ही रुकने का अनुरोध किया गया था। महागठबंधन को पटरी में लाने में शरद यादव ने भी पहल की है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सिर्फ इतना ही कहा है कि सब ठीक रहेगा। नहीं, ये सीधी सी बात है कि महागठबंधन जिसे आप नाम देते हैं और जिसे हम स्वीकारते हैं, वो आवाम का गठबंधन है। और आवाम का जब गठबंधन बनता है तो तमाम दलों को थोड़ा आगे थोड़ा पीछे जाने को तैयार होना होगा, क्योंकि ये साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव मुल्क की तकदीर और तस्वीर तय कर देगा। उसमें अगर दक्षिण पंथी अधिनायकवाद के बरक्स हम इस बात को सोचते रहे कि हमने कितना हासिल किया, तो अंततः ये मुश्किल हो जाएगी कि आवाम ने क्या हासिल किया। इसलिए मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी और पूरे जोश खरोश के साथ तमाम जो हमारी समरुझान की विचारधारा के दल हैं, हम मिलकर लड़ेंगे। खबरों के मुताबिक आरजेडी कार्यालय में लालू परिवार के करीबी विधायक भोला यादव भी पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। चुनावी व्यवस्था और गतिरोध को लेकर इन नेताओं के बीच बैठक होगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके जेडीयू के नेता अशोक चौधरी का कहना है कि लालू यादव कभी भी कांग्रेस के साथ ईमानदार नहीं रहे हैं। गठबंधन होने पर नुकसान कांग्रेस का ही होगा। देखिए, हम बार बार बोलते हैं, हम खुद 2009 में जो हमारे अध्यक्ष थे उनके मैं करीबी था, और 2014 और 2015 हम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को बहुत करीबी से हमने देखा है। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के लिए और गठबंधन के साथियों के लिए कभी भी ईमानदार नहीं रहे हैं। इसीलिए जब जब लालू प्रसाद यादव से कोई पॉलिटिकल पार्टी अलायंस करेगा, उसको परेशानी झेलना पड़ेगा। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सभी सवालों से पर्दे उठने के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले कई दिनों से बात चल रही थी। इस दौरान कई दफे घटक दलों के मनमुटाव की खबरें भी सामने आई थी। कभी आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे थे, तो कभी जीतन राम मांझी ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे थे। ऐसे में देखना होगा कि कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।